सो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बता सकता है क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? कोई बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मैं ट्राई करूं सर, हाँ बोलो बोलो। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं और कुछ, और कुछ, और कुछ? सर मूवमेंट ऑफ चार्ज। नहीं, और सर इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यस इट इज राइट। और कुछ, और कुछ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? चलो सो बेटा, अगर 9th स्टैंडर्ड तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो एक चीज पढ़ी थी सबसे पहले हमने, मैकेनिक्स, याद है? यस सर, यस सर, क्या था यस मैकेनिक्स, सर। क्या था मैकेनिक्स? नहीं याद? सर इन विच आई थिंक ओनली वी आर स्टडिंग अबाउट द मीन्स इसमें फोर कॉजेस, फोर्स और कॉजेस उसका वो नहीं करते, नहीं, इसमें वो तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स था, काइनेमेटिक्स। वो हाँ सर, काइनेमेटिक्स एंड डायनामेटिक्स था। मैकेनिक्स क्या था? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, वेरी गुड। ओके, मैकेनिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। सो मैकेनिक्स एक ब्रांच है पूरी फिजिक्स की जिसके अंदर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कोई डाउट उसमें? कोई डाउट? नो सर, ओके, ये तो नो हमने सर। पढ़ा था। सिमिलरली बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कहते हैं। पूरा फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी का। आ गया समझ में इतना? ओके, लिख लो नोटबुक में, जल्दी से नोटबुक में लिख लो। द स्टडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज, भी लिख सकते हैं, विच स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लिख लिया इतना? यस सर, यस ओके। अब यही इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रिसिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, क्या होता है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बताओ कोई भी। क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बताओ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और थोड़ा अच्छी तरह से, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जैसे कि दो कोई ऑब्जेक्ट्स है तो मतलब एटम्स है तो ट्रांसफर उसमें, होते हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी चार्ज जो है। और कुछ, और कुछ नाम से, नाम से थोड़ा देखो क्या लिखा है, नाम से कुछ निकालने का ट्राई करो। सर एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय स्टैटिक हेत ऑब्जेक्ट। पटेल, वीडियो ऑन कर लो। नहीं, और कुछ, और कुछ नाम में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब? सर स्टैटिक का मतलब आई थिंक सबको नॉर्मलाइज करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब जैसे कि उसका जो रिमूवल और उसका जो क्या नहीं 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 कहते नहीं हो नहीं 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 स्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई? स्टैटिक कोई ऑब्जेक्ट, स्टैटिक स्टेबल। स्टैटिक मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक कहते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सुना हुआ है ना हमने 9th में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हेन दे आर एट रेस्ट। समझ में आया? ये स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की जब वो रेस्ट पे होंगे, तब की जो स्टडी है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? यस सर। ओके, लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स,
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. Electrostatics and current electricity. It is divided into two parts. Sir, electrostatics आप एक बार वापस खाली brief में समझा दो ना. मैं बताता हूँ, बताता हूँ. पहले लिख लिया इतना, electrostatics and current electricity. उसके बाद उसमें लिखना है क्या? उसके बाद उसमें लिखो electrostatics is study of electric charge. Electrostatics is study of electric charge. When they are at rest, electrostatics is study of electric charge when they are at rest. लिख लिया? सर एक बार रिपीट करो ना. सर एक मिनट. Electrostatics is study of electric charge when they are at rest. When they are at rest. Done. लिख लिया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Electrostatics is study of electric charge when they are at rest. Current electricity क्या हो जाएगी? When they are in motion. When they are in motion की जगह पे लिखेंगे in flow. क्या लिखेंगे? When they are in flow. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी डेफिनेशन लिख लो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर इन फ्लो. लिख लिया यहां तक? यस सर. सर एक मिनट. व्हेन दे आर इन फ्लो फटाफट लिखना है बेटा. डन हो गया? यस सर. ओके चलो, तो अगर यहां तक लिख लिया, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में. एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? किसके पास होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बता दो. इलेक्ट्रिक चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स. सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, तो कभी क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रह सकता है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रेस्ट पे होता है? नो सर. कभी भी नहीं होते, वो तो मोशन करते रहते हैं. आया ना? यस सर. रेस्ट का मतलब क्या है? इधर जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ तो रेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो ध्यान से सुनना कि रेस्ट का मीनिंग क्या है. ऐसा समझो कि एक लेक है. क्या है? लेक है. लेक के अंदर बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है. क्या ये पानी मोशन में है या रेस्ट पे है? पानी मोशन में है या रेस्ट पे है? मोशन में है, पर लेक के अंदर बंद है. लेक के अंदर बंद है, बट एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल देखोगे तो वो क्या करेंगे? मॉलिक्यूल मोशन में, वाटर मॉलिक्यूल मोशन कर सकते हैं. बट अगर इसके बाउंड्री पे देखेंगे तो इससे बाहर मॉलिक्यूल्स कोई नहीं जा सकता, मतलब वो रेस्ट में. एक तरह से आ रहा है समझ में? वो राइट. तो इसका मतलब इसी तरह से हम चार्ज को समझेंगे कि अगर चार्ज अपनी जगह पे मूव कर रहे तो चलेगा, बट एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा. समझ में आ गया? रेस्ट का मतलब. ओके चलो, करंट किसे कहेंगे? व्हेन दे आर इन फ्लो, तो इसी एनालॉजी का यूज करते हैं. क्या बताओ क्या है ये? रिवर. रिवर. रिवर है. रिवर के अंदर क्या होता है? फ्लो करता है. फ्लो करता है, मतलब अगर यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो ये वापस घूम के इधर नहीं आ सकता, इसको कंपलसरी आगे ही जाना पड़ेगा. कोई भी पार्टिकल को देखेंगे कंपलसरी वो कहाँ जा रहा होगा? फ्लो में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है. समझ में आ गया? चार्ज अगर सिमिलर केस में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. ओके यहाँ पे ध्यान से हमने डेफिनेशन में लिखा है When charges are in flow, ऐसा नहीं लिखा है कि charges are in motion. Motion में तो कभी भी हो सकते हैं,
करंट कब कहेंगे, जब वो क्या करे, क्या होना चाहिए, मोशन नहीं है, फ्लो होना चाहिए, फ्लो। तो मोशन में क्या डिफरेंस है, फ्लो और मोशन में क्या डिफरेंस है? सर मोशन में वो सर मोशन एक डिफाइंड सराउंडिंग में वो कर सकते हैं, पर फ्लो में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। फ्लो का मतलब क्या होना चाहिए, फ्लो मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, सारे के सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब मैं करंट बोलूंगा। एक चार्ज इधर जा रहा है, एक चार्ज इधर आ रहा है, तो भी अभी क्या सर मोशन में वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कहेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, और एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो करंट कहेंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फ्लो आउट लिख लिया, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई, लिख ली। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं कि चार्जेस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का काम क्या है, मतलब क्या है, बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बोल सकता है कोई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चलो सो जैसे बेटा अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट का मास, मास क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है उसकी, मास क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है, ओके। सिमिलरली चार्ज जो है वो भी क्या है, चार्ज भी क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, लिखते जाना ये फटाफट, like electron and proton, electron proton, okay, so charge is what, charge is a fundamental property of subatomic particle like electron proton, likh liye to batana, likh liya, likh liya sir, okay, so it is a fundamental property of subatomic particles like electrons and protons. मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्टडी कर रहे थे तो कुछ अलग से प्रॉपर्टी देखने को मिली, और इस प्रॉपर्टी को ही नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आ गया समझ में, इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास देखने को मिली, ओके? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी देखने को मिली वो थोड़ी सी अलग रही, इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ओके? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, लिख लो नीचे, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास प्रॉपर्टी देखने को मिली उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंट पार्ट दिखाने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया। पॉजिटिव किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास, नेगेटिव किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है तुमने, कोई डाउट? यस सर। यहां तक समझ में आ गया? हां सर। ओके, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सब बताने की जरूरत है? नो सर। नहीं सर। आपको समझ में ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ओके? अच्छा एक और लास्ट चीज, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल उन दोनों को साथ में रख दूं तो अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल क्या करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल क्या करेंगे? सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सोच के बताओ। और कुछ न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, उसको मैं साथ में रख दूंगा तो क्या होगा सर, ऐड कर देगा मास में, क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, एडिशन हो जाएगा सर, एज अ होल वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब
कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ नजदीक लेके रखा है, तो अट्रैक्ट होगा, रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा वो पूछ रहा हूं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा या कुछ होगा सर? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट सर, शायद रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व? रिवॉल्व क्या होता है भाई? रिपेल करेगा। रिपेल, अच्छा। एक बात बताओ, तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में, प्लास्टिक की स्केल लेनी है, ड्राई हेड से रब करना है और फिर पेपर बीड्स को रखना है तो अट्रैक्ट होते थे, किया हुआ एक्सपेरिमेंट? यस सर। याद आ रहा है सबको? यस सर। प्लास्टिक की स्केल लेते थे, ड्राई हेड से रब करते थे, पेपर बीड्स को नजदीक ले जाते थे तो पेपर बीड्स चिपक जाते थे उससे, तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों होता था, क्या रीजन था? जब मैं ड्राई हेयर और प्लास्टिक की स्केल रब करता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्लास्टिक की स्केल पे चार्ज आ गया। ओके, पेपर जो था, पेपर मैं साइड पे जो रखता था, क्या उसके पास कोई चार्ज था? नहीं सर। पेपर के पास कोई चार्ज नहीं था, वो तो वैसे ही पड़े हुए थे। जैसे ये चार्ज ऑब्जेक्ट को पेपर के पास लाया तो वो अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल को क्या करेगा? अट्रैक्ट। न्यूट्रल को क्या करेगा? हमेशा अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल क्या करेंगे, नेगेटिव और न्यूट्रल क्या करेंगे, और तीसरी चीज न्यूट्रल और न्यूट्रल क्या करेंगे, बताओ। चलो फटाफट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल, अट्रैक्ट, नेगेटिव न्यूट्रल, अट्रैक्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। दो न्यूट्रल कुछ नहीं करेंगे, बाकी इसमें अट्रैक्ट, इन दोनों में रिपल। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिसको नहीं लिखना है वो चलेगा। ओके, अच्छा एक और सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, जो रिपल्शन इज प्योरेस्ट टेस्ट फॉर चार्ज। ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? रिपल्शन इज प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज। मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का कि कोई एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है वो पता करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज है या नहीं है वो पता करने के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? रिपल्शन होना जरूरी है। मतलब क्या, ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू। ओके, मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसके पास चार्ज है या नहीं है। मेरे को यह फाइंड करना है इसके पास चार्ज है या चार्ज नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। ओके, ये मेरे पास अननोन ऑब्जेक्ट है, इसके पास हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो, इसके पास हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, इसके पास हो सकता है कोई भी चार्ज ना हो, तीन पॉसिबिलिटी है इसके पास आया ना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक ऐसा, मतलब इसको मेरे को चेक करना है कि इसके पास कौन सा चार्ज है या चार्ज नहीं है, वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, मुझे पता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इस दूसरे ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके आता हूं। समझ में आया? हाँ सर। इसके पास चार्ज है या नहीं है वो चेक करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को मैं नजदीक लेके आता हूं। ओके, अब बताओ क्या क्या हो सकता है। इसके पास तीन ऑप्शन थे, अगर ये न्यूट्रल होता और मैं इसको नजदीक लाता, क्या होता, ये न्यूट्रल होता तो अट्रैक्ट हो जाता, अट्रैक्ट। इसके पास नेगेटिव होता, इसके पास नेगेटिव होता अट्रैक्ट हो जाता, अट्रैक्ट,
इसका मतलब क्या हुआ मुझे पता नहीं इसके पास क्या है, बट अगर ये अट्रैक्ट होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास चार्ज है या नहीं है? नहीं बोल सकता. न्यूट्रल मेरे पास या तो ये नेगेटिव या तो ये न्यूट्रल होगा. yes. बट अगर मैं इसको नजदीक ला रहा हूँ और ये रिपेल हो गया, ये क्या हो गया? रिपेल हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव ही होगा. तो अट्रैक्शन से मुझे पता नहीं चलने वाला कि कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या चार्ज नहीं है. अट्रैक्शन से मुझे पता नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या चार्ज नहीं है. इसका रीजन ये है बिकॉज न्यूट्रल के साथ सब अट्रैक्ट होता है. आ रहा है समझ में? ओके. यस सर. वो चार्ज है या चार्ज नहीं है उसके लिए प्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है? रिपल्शन. रिपल्शन. अगर रिपल्शन हो रहा है तो पक्का है कि इसके पास चार्ज होगा ही होगा. नो डाउट. रिपल्शन होगा तो पक्का होगा कि चार्ज होगा ही होगा. अट्रैक्शन से कुछ पता चलने वाला नहीं है. कोई डाउट अब? सर अगर नेगेटिव ले जाए तो भी नहीं पता चलेगा. हाँ, अगर नेगेटिव ले जाए, जैसे कि मान लो ये अननोन है, ये वाला अननोन है, यहाँ पे मैं नेगेटिव नजदीक लेके आ रहा हूँ, तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन कब होगा? जब इसके पास पॉजिटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा. रिपल्शन कब होगा? जब दूर जाएगा. सॉरी, जब नेगेटिव होगा तो रिपल होगा. तो रिपल्शन से ही पता चलेगा. अट्रैक्शन से तो अभी भी दो ऑप्शन है ना. अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. बट रिपल्शन करेगा तो पक्का इसके पास कोई चार्ज होगा. तो चार्ज है या नहीं है वो चेक करने के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड है वो क्या है? रिपल्शन होना जरूरी है. अगर रिपल्शन हो रहा है तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि चार्ज है. आ गया समझ में? Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. Statement समझ में आ गया. Repulsion is the purest test for charge. Okay? Yes. Okay. Yes, sir. So, आज इतना करते हैं चार्ज के बारे में और फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. Okay?